वेलकम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? थोड़े से टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी लेट होगी, उसके लिए सबसे पहले तो मेरा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमें जिस चीज़ के बारे में बात करनी है, आपको लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज सिस्टम या ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज एक खास हद के अंदर जब ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो एक सिस्टम बना रहे हैं, जैसे कि ए और बी कोई से दो ऑब्जेक्ट हैं, एक खास हद में एक रूम के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सिस्टम बना रहे हैं, एक कंप्यूटर के अंदर एक स्पेसिफिक एक्ट्स ऑन द सिस्टम, अ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। इस सिस्टम को हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का, अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। मैं ये बात करूं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो ये ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन इन पर बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, तो इस सिस्टम को हम नाम देते हैं मेरा बेटा आइसोलेटेड सिस्टम का। ऐसे सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा आइसोलेटेड सिस्टम का। अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। जी मेरा बेटा, जरा ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है, वो ये बताता है कि जब आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है। मैंने फिर कहा कि ये वाला टॉपिक में भी आज आपको स्टार्ट नहीं करवा रहा, हाँ इसकी बेसिक्स में जो दो डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले मेरा बेटा हम उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन डेफिनेशन आपके पास सिस्टम की है, अ ग्रुप ऑफ सर्टेन बाउंड्रीज, एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर एक ग्रुप ऑफ बॉडीज जो हमारे पास कहलाता है उसको हम सिस्टम का नाम देते हैं, और ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर से किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। मेरा बेटा, कल हम लोगों ने टोटल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट, ये चीज़ कल हम साबित करेंगे। तो मेरा बेटा, अगेन वही टेक्निकल इश्यूज जो बार बार आ रहा है और इसकी वजह से आज आप लोगों की क्लास भी लेट हुई। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक था जिसकी दो बेसिक डेफिनेशन,